स्वागत है गाइज आपका एक और नए वीडियो में। वैसे तो गाइज इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, इनफैक्ट मैंने भी एक दो वीडियो बनाए हैं। लेकिन गाइज कभी कभी क्या होता है कि उस समय कुछ और अपडेट होता है और प्रेजेंट टाइम में कुछ और अपडेट होता है। यूट्यूब के नियम जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी रिसेंटली बहुत ही बड़ा अपडेट आया था जो क्राइटेरिया कम कर दिया जाएगा, तो अपडेट के हिसाब से गाइज हम लोगों को अभी अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। यू नो गाइज की माई फर्स्ट ब्लॉग की दूसरी लहर बोल सकते हैं वो आई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों का चैनल ग्रो भी हो गया, बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठा लिए, ठीक है। तो अभी जो है इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला ये हूँ कि अगर आप अपना जो व्लॉग जो है अपलोड करते हो वो कहाँ से अपलोड करते हो, मतलब एक क्रोम ब्राउजर से होता है, एक यूट्यूब के एप्लीकेशन से होता है, दोनों तरीका इसमें से तरीका कौन सा सही है और दोनों तरीका इनफैक्ट सही है कि गलत है, कौन सा मतलब किससे अपलोड करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर जो होते हैं वो किससे कौन से तरीके से अपलोड करते हैं, यूट्यूब के एप्लीकेशन से अपलोड करते हैं कि क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हैं, उसमें गाइस यूट्यूब के एप्लीकेशन से करो या क्रोम ब्राउजर से करो उसमें एक सेटिंग होती है, ठीक है। एक सेटिंग होती है, मतलब दो चार सेटिंग बोल सकते होती है, जो बहुत सारे क्रिएटर उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको खाली वीडियो अपलोड कर दिया, टाइटल भर दिया, बस हो गया, ठीक है। तो वो गलती गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वो गलती करते क्या हो, इसीलिए गाइज आपके वीडियो पे 2 से 3 व्यूज़ ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि गाइज जब तक आप वो सेटिंग नहीं करोगे तब तक यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपका जो वीडियो है वो व्लॉग है, कैसे आगे तक भेजेगा, व्लॉगर तक जो व्लॉग देखने में इंटरेस्टेड उनको कैसे भेजेगा जब तक आप वो सेटिंग ऑन ही नहीं करोगे, ठीक है। तो सिंपली गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नया जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। चलिए सीधे चलते अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और जैसा कि सभी लोग यूट्यूब के एप्लीकेशन से ही वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ये भी तरीका सही है, और क्रोम ब्राउजर से अगर अपलोड करते तो वो भी तरीका सही है, ठीक है। लेकिन गलत एक चीज़ है जो गलत करते हैं, ठीक है। प्लस वाले आइकन पर हमने क्लिक किया, ठीक है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पे अपलोड ए वीडियो लिखा है, ठीक है, अपलोड ए वीडियो पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से गाइस सुनना, बहुत ही ध्यान से देखना कि एक एक स्टेप मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट की मैंने वीडियो यहाँ पे शूट की थी, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे खेल क्या होता है, असली खेल यहीं पे होता है गाइस, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर यहाँ पे डायरेक्ट नीचे अपलोड लिखा ना, अपलोड कर देंगे, ये काम आपको, यही गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया माय सेटअप सेटअप टूर व्लॉग, यहीं पे सब कुछ गाइस यहाँ पे आपको फिल करना, पहला काम आपको यही करना है कि आपको टाइटल देना है, हैशटैग में लगा लेना है व्लॉग, ठीक है, व्लॉग लगा दिया। अगर आपको मेंशन का ऑप्शन मिल गया है तो कोई एक बड़े क्रिएटर को मेंशन कर देना, मैं मनोज दे को मेंशन करे दे रहा हूँ, मनोज दे, ठीक है, मनोज दो के मैंने मेंशन कर दिया। इतना काम हमने यहाँ पे गाइस कर दिया है, ये काम आपको 110% करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम जो करना पड़ेगा, यहाँ से इसको क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, कॉपी करना है, यही कॉपी यहाँ पे ले जाके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ये पहला काम हो गया ना, ठीक है। सबसे नीचे आएंगे गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल रहा है, विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी में क्रिएटर गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट वहाँ पे पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, और ये सेट ए इंस्टेंट प्रीमायर लिखा है ना, इसको टिक नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, टिक नहीं करना, ना कि प्राइवेट करना है, सिर्फ हम लोग अनलिस्टेड ही करेंगे, ठीक है। शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा है, शेड्यूल भी नहीं करना है, ठीक है, शेड्यूल नहीं करेंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, अनलिस्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ऑडियंस, ऑडियंस पे आएंगे। ऑडियंस पे बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं कि यस इट मेड्स फॉर किड्स कर देते हैं। यस इट मेड्स फॉर किड्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो वीडियो होगी वो बच्चों को दिखाई जाएगी। तो आप ये खुद सोचिए, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपके यूट्यूब पे बच्चे कहाँ इतने, तो जाहिर सी बात है बच्चों को दिखाई दे तो कम व्यूज ही होंगे ना, तो बच्चों को मतलब नहीं सेलेक्ट कर, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, आप मेरी वीडियो 18 साल के ऊपर जो है उनको दिखाइए। तो यूट्यूब जो है 18 साल के जो ऊपर के हैं उनके पास रिकमेंड करेगा, उनको ब्राउज फीचर्स में भेजेगा, ठीक है। यहीं पे बड़ी गलती कर देते हैं,
ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना, नो इट्स मेड फॉर किड्स कर देना है। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन में क्या करना है, देखिए हमें बोल रहा था ना कि आपको 18 ओवर 18 से नीचे नहीं रखना है, ओवर 18 से ऊपर रखना है। ठीक है, जो 18 साल के ऊपर के हों उनकी वीडियो मेरी दिखाई जाए, जो 18 साल से नीचे उनकी वीडियो मेरी नहीं दिखाई जाए, तो यहाँ पे नो कर देंगे, यानी कि नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स ओवर 18, मतलब जो मेरी वीडियो है वो 18 साल के ऊपर की दिखाई जाए, नीचे की नहीं दिखाई जाए। तो आपकी वीडियो जो है YouTube जो है 18 साल से जो ऊपर है उनको भेजेगा, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा ऑडियंस है। ठीक है, ये काम आपको करना है, लोकेशन को छोड़ देना है, लोकेशन नहीं करना है। प्लेलिस्ट गाइज, अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लेलिस्ट बनाए, ये यूट्यूब का कस्टम होता है, समझ लीजिए कस्टम पूरा SEO होता है। बहुत सारे क्रिएटर प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं, प्लेलिस्ट जरूर बनाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट से फ़ायदे बहुत होते हैं, जब यूट्यूब ने ये ऑप्शन दे रखा है तो उसको यूज़ क्यों नहीं करते, प्लेलिस्ट जरूर बनाओ। प्लेलिस्ट बनाओगे तो इससे यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये जो यूट्यूब वीडियो अपलोड की गई है पूरा सेटअप के साथ अपलोड की गई, पूरा SEO अच्छा से हुआ है। ठीक है, फिर गाइज हम लोग अपलोड कर देंगे, इतना काम हम लोग करेंगे यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड करते समय समय। और यहाँ पे गाइज एक ऑप्शन आता है थंबनेल का, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भी थंबनेल लगा सकते हो या तो अपने YT स्टूडियो पे जाके थंबनेल को लगा सकते हो। इतना काम हमने गाइज कर दिया। ठीक है, अभी गाइज इसको मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद एक सेटिंग गाइज और करनी होगी, जो कि हम YT स्टूडियो में जाके करेंगे। ठीक है, अभी हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, अपलोड होने के बाद सीधे चलते हैं हम लोग YT स्टूडियो में। चलिए गाइज हम YT स्टूडियो में आ जाते हैं, एक मिनट। तो फाइनली गाइज हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैं सीधे चलता हूँ अपने YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में गाइज मैं आ चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सेटिंग है जो कि क्रिएटर नहीं करते हैं, और यहाँ से मैं पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइज मैं पूरा डिस्क्रिप्शन तो मैंने पहले ही लगा दिया था, अनलिस्टेड कर दिया था, मोनेटाइजेशन ऑफ है, अभी ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर लिया था। सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेकेंड नंबर पर आपको मिल रहा होगा कैटेगरी, दिख रहा है ना, कैटेगरी, कैटेगरी पे गाइज क्लिक करेंगे। और सबसे बड़ी गलती गाइज जो क्रिएटर करते हैं वो कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी गाइज जरूर सेलेक्ट करना, यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हो। यहाँ पे कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पे हमने व्लॉग अपलोड किया है ना, क्या अपलोड किया है, व्लॉग। ठीक है, तो व्लॉग अपलोड किया तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी है पीपल एंड व्लॉग, पीपल एंड व्लॉग पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि गाइज बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं कि कुछ एजुकेशन क्लिक कर देते हैं, इंटरटेनमेंट क्लिक कर देते हैं, फिल्म एंड एनिमेशन क्लिक कर देते हैं। अभी मान लीजिए आपने गेमिंग क्लिक कर दिया, आपका व्लॉग है गेम, व्लॉग आपने अपलोड किया है, ठीक है, और गेमिंग कैटेगरी कर दिया है, तो YouTube अब तो कन्फ्यूज हो गया कि ये जो व्लॉग है वो गेमिंग को कैसे दिखाएं, क्योंकि व्लॉग जो व्लॉगर होंगे उन्हीं को भेजेगा ना, मतलब यूट्यूब जो व्लॉग देखना पसंद करते होंगे उन्हीं को जो आपकी वीडियो भेजेगा, लेकिन आपने तो गेमिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है तो कैसे कंफ्यूज हो गया, इसीलिए आपके व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ बढ़ता नहीं, यूट्यूब आगे भेजता ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, यहाँ पे व्लॉग कर देना। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड बनाते हैं तो गेमिंग सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, अगर फिल्म से रिलेटेड बनाते हैं, फिल्म एनिमेशन करते हैं तो फिल्म एनिमेशन कर दी, इंटरटेनमेंट तो इंटरटेनमेंट का, एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाते हैं एजुकेशन कर दीजिए। कम से कम एक्चुअली में यूट्यूब को पता तो चले कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी का है, ताकि आगे उस ब्राउजर फीचर में भेजे जो लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि ब्लॉग अपलोड कर दिया, कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया, यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सीधे अपलोड कर देना आपको वीडियो को, यहाँ से सेटिंग करने के बाद सीधे पब्लिक कर देना है। ये दो चार काम जो मैंने बताए हैं गाइज, ये आप हर वीडियो में करना, हर वीडियो में, ये नहीं कि सिर्फ एक वीडियो में कर दिया बाकी सब ऐसे छोड़ दिया, ये काम आपको नहीं करना, हर वीडियो में आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा लगा गाइज वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ मेरी वीडियो से वो भी कमेंट करके जरूर बताना। गाइज फ़ायदा तो 100% होगा, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है, बस इसको फॉलो करते रहना। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, जय हिंद जय भारत।